भाई मैं गूंगे भी आगे निकलते देखे क्या हो गया, क्यों रोले रोले कर रहा है? रोले मतलब मैंने एक लड़की को खेल दिया, रोला पे आ गया मैं यार। असल में ये बड़ा शरारती, इसकी गलती नहीं है, गलती किसकी होगी? जम्मा लाला की गलती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब फिट फाट होंगे। दुआ करता हूँ कि आप सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। तो हमें भी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, कुछ देर में पहले उठा था तो जो ना उठते ही वीडियो थोड़ी सी अपलोड रहती थी, वो वीडियो अपलोड की है तो अभी अपलोड हो चुकी है, ये देखें। ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुकी है तो लैपटॉप अभी भी मेरा ऑन पड़ा हुआ है। तो अभी जो ना शशि शुली ने मुझे कॉल किया कि हमें तकरीबन 6 दिन हो गए हम जो ना बैंक में फीस जमा करवाने के लिए बैठे हुए, तो बैंक में फीस जमा मेरी होनी है। तो शशि शुली को मैंने जिम्मेदारी लगाई हुई थी शशि शुली की कि यार तुम मेरी फीस जमा करवाओगे बैंक में जाके। तो वो कहता यार तुम मेरे साथ जाओ। ऐसे करते करते हमने 5-6 दिन गुजार दिए और 3 दिन रह गए लास्ट डेट पे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस चीज की फीस जमा करवा रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा सब कुछ पहले करके। मैं रेडी हो गया हूँ, तो अभी ये वाउचर है मेरे पास बैंक फीस का। ठीक है, अभी जो ना इसकी फीस है जी 4400 है। ठीक है, 4400 जो है ना इस बैंक की फीस है, तो बैंक की फीस जमा करवाएंगे। मैं रेडी हो गया हूँ। मुझे ऐसे लगा है जैसे शशि शुली नीचे मुझे आवाज लगा रहा है, शशि शुली ही नीचे है, वो बात कर रहा है नीचे शॉप वाले से। तो अभी मैंने ये जो ना अपना वॉलेट पकड़ लिया है तो मैं भी रेडी हो गया। ये देखिए फिर आवाज लगाई उसने, चलो चलते हैं फिर। जी सर, यार मैं 2 घंटे हो गए तेरा थल्ले इंतजार। एक पहले आवाज लगाई है और मैं उस वक्त व्लॉग बना रहा था, अब दूसरी आवाज लगाई है फिर भी व्लॉग बना रहा था। मैंने बता रहा था कि शशि शुली नीचे आ गए, मुझे डाउट था, लेकिन जब तू बात कर रहा था ना शो वाले से मुझे तब पता चला। तेरी बाइक पे जाना है? 2 बाइक पे, मैं वापस नहीं आ रहा। वापस तू किधर जाना है? अच्छा यार वो तो ठीक है, लेकिन किस बैंक में जाना है? लाइट बैंक किधर है? लाइट बैंक अल्लाह गोल चक्कर के पास है यार। तुमने इधर से गुजर के जाना है ना यार? इधर से ही अल्लाह चौक कौन सा दूर है यार, 1 किलोमीटर का सफर है, मेरी बाइक निकलवानी जरूरी है। चलते हैं। जी बॉस, मेरी वादा कहती है कि आप कुछ नहीं करते, मैंने अपनी वादा बताया कि आप दुआ करें कि मैंने जो पैसे हैं वो गिनने नहीं है, वो मिलने हैं। आए मिलने मिलने हैं, ये इस तरीके से इससे बड़ी बिल्डिंग इंशाल्लाह मैंने बनानी है। और सबसे पहले बिल्डिंग तो बाद में बनाऊंगा, सबसे पहले मैंने गाड़ी लेनी है। अच्छा, वो बताएगा कि उसकी गाड़ी लेने क्या क्या सवाल है। वो भाई देख रहा है कौन सी गाड़ी लेनी है। गाड़ी मैंने लेनी है मेहरान से शुरू करूंगा भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता। ओए ओए मेहरान से क्या, अब ये आपकी जो हैवी बाइक है ना ये सीधी कर ले। मेरे एक सूल है, मेरे टायर भी पंचर हो जाए ना तो मैं गाड़ी चेंज कर लेता हूँ, मैंने कभी पंचर नहीं लगवाया। अभी यहाँ पे तो 10-15 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अच्छा, आप गाड़ी चेंज कर लेते, पंक्चर नहीं लगवाते? पंक्चर नहीं है, मैंने ट्यूब ऐसे लगाई है तो टैंकी उखड़ जाती है। ये कौन सी उर्दू है, ये सराय मुगल की उर्दू है। चलो बैठने दे। अभी हम निकले और जो ना अभी नाश्ता भी करना है, तो कह रहा है भाई फीस पहले जमा बाद में करवाएंगे, पहले नाश्ता करेंगे। 10 बज गए, क्या हो गया? 10 बज गए तो जो ना पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम फीस जमा करवाएंगे। कुकड़ियाँ भूख रही है मेरे पेट में, कुकड़ियाँ लोग कहते हैं। व्यूअर्स, अभी हमने जो ना बैंक में फीस जमा करवा दी और वाउचर भी ले लिया है, तो अभी जो ना शुरली आता है वो बाइक निकाल रहा है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने डाक भी करवाने हैं, डाक के जरिए भेजने हैं इस्लामाबाद। आप जाना है टाउनशिप में, जो इसका है डॉक्यूमेंट्स वो पोस्ट करने हैं। पोस्ट करने हैं, कब तक पोस्ट करनी है? कब तक पोस्ट? तो ये कल तक चला जाएगा? ये आज नहीं, कल तक चला जाएगा, कल शाम तक पहुँच जाएगा ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये कल तक पहुँच जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह बताता हूँ डाक को करवा के, फिर बताऊंगा कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे यार ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, क्या बैंक में जा रहे हैं और वाओ पीछे गाड़ियां गुजर रही हैं। बता दो कि किस लिए हम भाग रहे हैं, भाई बड़े रोले हैं। रोले नहीं है, बहुत रोले हैं यहाँ पे, बहुत मसले हैं यार। बंदे के मुंह में जुबान हो ना तो बंदा दुनिया के किसी भी कोने में जा। भाई मैं गूंगे भी आगे निकलते देखे क्या हो गया, क्यों रोले रोले कर रहा है? रोले मतलब मैंने एक लड़की को खेल दिया, रोला पे आ गया मैं यार। असल में ये बड़ा शरारती, इसकी गलती नहीं है, गलती किसकी होगी? जम्मा लाला की गलती। जी व्यूअर्स, अभी जो है ना डाक खाना पहुंच गए,
पाकिस्तान पोस्ट पे, तो सचिन शुरली अंदर गया हुआ है, तो जो है ना उसके बाद वो ना असल में अंदर इसलिए गया हुआ है कि उसका लफाफा पूछने गया है कि लफाफा अंदर से मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो बाहर से कहीं पे मिलेगा तो बाहर से लेना पड़ेगा। हाँ भाई क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि अभी आपने ना जिस पे लफ करते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, वो लेके आना पड़ेगा, वो कोकर बुक डिपो है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वो अंदर से लफाफा नहीं उन्होंने दिया, हमें बाहर से लेना पड़ेगा। शुरली साहब गूंद लगाते हुए चेक कर ले, ये कहाँ मेरे चेक करे गूंद कैसे, यार ये बैक साइड पे लगानी है, बैक साइड ये वाली है, बैक साइड है, इसको ऐसे लगाते हैं जब भी आपको गूंद लगाने का मौका मिले तो आप एक उंगली इस्तेमाल कर लिया एक उंगली इस्तेमाल करनी, ये बहुत जरूरी है, ये कुछ चीजें लोगों को पता नहीं है, वो पूरे हाथ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। चल लगा यार काम कर, टाइम बहुत कम है, मैंने अभी हॉस्पिटल जाना। ये भी बता, ये उन्होंने टोकन दे दिया हमें, ठीक है, जो हमने डाक करवाई अभी पोस्ट करवाई है ना, ये उन्होंने कोड नंबर लिख दिया है, प्राइवेसी है, प्राइवेसी तो क्या हो गया, तो ये सब कुछ उनका जो ना प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। जी व्यूअर्स अभी जो ना हम फ्लैट पे पहुंचे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि मैंने किस चीज़ की जो ना फीस जमा करवाई बैंक में और पोस्ट ऑफिस में जाके मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे। मैं नाजिन मैं कर रहा हूँ मैथ कॉम, तो मैथ कॉम का जो ना मैंने एडमिशन भेजा है, तो ये चार साल मैंने सेमेस्टर था, चार साल मतलब मैंने भेजा है, और मतलब कि मैथ कॉम ऑनर है जो मतलब मास्टर की डिग्री पे है। तो उसके बाद ये है कि मैं ये मुझे सचिन शुरले ने असल में बोला था कि यार तुम मैथ कॉम कर लो, तो मैंने कहा मेरे हालांकि मेरा माइंड नहीं था, तो उसने बोला कि यार तू जो ना ऐसा कर मैथ कॉम कर, तेरी फील्ड भी ऐसी है। मैंने कहा चलो भी मैं मैथ कॉम स्टार्ट कर ले, तो असल में मैंने ना स्टडी छोड़ दी हुई थी, मतलब दिल नहीं कर रहा था स्टडी करने को, मैंने सोचा यार क्यों ना साथ स्टडी कंटिन्यू की जाए, तो इसलिए फिर मैंने वो मैथ कॉम जो है ना एडमिशन भेजा है। तो और साथ में आपको ये बताऊं कि मुझे मैंने एक चीज़ मंगवाई है, काशिफ भाई गए हुए थे बाजार, तो मैं उधर गया हुआ था, तो काशिफ भाई को जो ना मैंने बोला कि यार मैंने एक शूज़ लेने, तो कह रहा मैंने भी लेने, तो उसने घर जाना था, तो इसलिए मैंने उससे बोला कि तू मेरे भी लेते आना, मैंने उससे अपना नंबर बता दिया कि 45 जो ना साइज़ के शूज़ लेते हैं जैसे अपने लेके आओ, उसने तो मतलब अपने लिए कोई और कलर के, लेकिन मैंने उनसे बोला था सजेस्ट किया था कि रेड कलर के हो जाए तो वो लें, तो उन्होंने ये मुझे ला के दे दिए, ये देखें, ठीक है, अभी इसे ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस टाइप के हैं, किस तरह के, और आप मुझे बताइएगा कि कैसे काशिफ भाई की चॉइस है और किस तरह के लेके आए हैं। और ये हैं शूज़ हमारे, मुझे तो अच्छे लगे फिलहाल, ये देखें ये चीज़ है, ठीक है, और ये है नीचे से 44 है, ठीक है, और ये देखिए, तो मुझे बताइएगा क्या ये बिल्कुल कलर अच्छा है, कैसा कलर लेके आए काशिफ भाई, तो अभी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने पहली दफ़ा इतने महंगे शूज़ लिए हैं, ये मैं आपको बिल दिखाता हूँ कि मैंने आज तक इतने महंगे शूज़ लिए ही नहीं, ठीक है ना, मैंने इस तरह के कभी पहने हैं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना ले लिए जाए, तो कभी बंदा पहन ही लेता है, तो ये मैंने अभी मंगवा लिए, ठीक है, इसका अभी मैं आपको बिल दिखाता हूँ, कहाँ पे गया इसका बिल, कहाँ पे गया, ये पड़ा हुआ है, ये देखिए, मतलब 3200 निकल लें क्योंकि एक रुपया कम है। लेकिन मैं और सचिन शुरली ना बोर हो रहे थे, तो सचिन शुरली आया और उसने बोला कि जी हम चलते हैं बाहर कहीं पे, टिकटॉक वगैरह बना लेते हैं, स्नैक वीडियो बना लेते हैं, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं भाई, तो अभी नए शूज पहन के बनाने हैं यार। अच्छा ये हमने वैसे बनाना नहीं था, ये इसलिए बना रहे हैं कि हमने नए शूज और नए शूज लिए इसलिए हम बना रहे हैं, तो अभी जाएंगे पार्क में, मॉडल टाउन पार्क में, वहाँ पर हम जो ना स्नैक वीडियो बनाते हैं, तो मज़ा भी करते हैं, सब लोग भी बनाते हैं। किधर जा रहा है? और लोकल खिलार के लोकल ही खड़ी है ना यार, कुछ नहीं होता वहाँ पे, किसने लेके जानी आपकी बाइक, जो लेके जाएगा वो पछताएगा ही। नजर मार लो, नजर मार लो, जाओ
ताकि पता चल जाए कि वहाँ पे खड़ी हुई है, वहाँ पे खड़ी हुई तो हम इजीली फिर मजीद अगर हमें आगे पीछे होना पड़े तो। तो जी व्यूअर्स, अभी हमने टिकटॉक वगैरह बना ली है तो वापस निकलने लगे अभी थे, टाइम होने जा रहा है तो वापसी का अंधेरा छा रहा है, तो मैंने ये सोचा कि चलो यार अंधेरे होने से पहले जो ना सूर्य बिल्कुल ग्रुप हो गया हुआ है, ठीक है ग्रुप हो गया हुआ ना, सूर्य बिल्कुल चला गया, ठीक है तो सूर्य बिल्कुल ग्रुप हो गया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग एंड करते हैं अंधेरा छाने से पहले तो इसी के साथ अपने मेजबान आयान सर को दे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।